ओम शांति। तो सब शांत स्वरूप में स्थित होकर बैठना और शांत मन से सुनना, क्योंकि जो भी हम सुनते जाएं अंदर धारण होता जाए, क्योंकि जितना धारण होता जाएगा उतना हमारा मूल्य बढ़ता जाएगा। साधारण में तो साधारण कर्म होंगे ना, मैं तो साधारण हूँ, मैं कहाँ हो सकती हूँ, मैं कहाँ बन सकती हूँ, बनने वाले तो कोई दूसरे है। तो क्या हम इस सोच से, इस विचार से हम क्या बन सकते हैं? साधारण ही बन सकते हैं, हम विशेष तो नहीं बन सकते हैं, विशेष कर्तव्य भी कर नहीं सकते हैं। उसके लिए हमें उस समान की सीट पर क्या होगा, बैठना पड़ेगा। सीट पर बैठ गया ऑफिसर तो क्या करेगा, तभी लोग उसका कहना मानेंगे। उसको भी समान होता है कि मैं जज हूं, मैं फला हूं। तेरी बाबा कह रहे बच्चे तुम बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत महान हो, बहुत विशेष बच्चे हो, साधारण नहीं हो। साधारण को तो बाबा ने चुना ही नहीं है। जितने भी यहां बैठे हैं वो कौन बैठे हैं? बहुत कोटों में कोई बैठे हो, इतनी करोड़ आत्माओं में बाबा ने एक को चुना है। वो किसको चुना है? कोई बाहर वालों को? हम बच्चों को ही चुना है ना। ऐसे हम विशेष आत्मय हैं, तब हर एक कर्तव्य कैसा होगा? विशेष कर्तव्य होगा। हम लोग पहले भक्ति मार्ग में कथाएं सुनते थे ना कि महात्मा लोग के कितने कर्म श्रेष्ठ होते थे, तभी वो महात्मा कहलाते थे ना। ऐसे कोई कहे कि हम महात्मा है, हम महात्मा है, लेकिन मेरे कर्तव्य महान नहीं है, तो क्या कोई हमको स्वीकार नहीं करेगा ना? उसका दिखाते हैं ना कि एक बिच्छू था, डंक मार रहा था, उसको बचाने के लिए बराबर वो प्रसाद कर रहा था, कैसे बिच्छू डूबे नहीं? तुमने कहा क्या करते हो, वो आपको काट रहा है। तो बोला ना कि उसका काम ये है कर्तव्य, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? तो अपने कर्तव्य का भी मुझे बोध होना चाहिए, क्योंकि मैं श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ धर्म वाली आत्मा हूं, हमारा आदि स्वरूप यही है। तो जब हम इस समान में स्थित हो जाते हैं तो हमारा घर में भी जो व्यवहार होता है वो कैसा होगा?